हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे किचन रसोई का जादू में। आज मैं कटहल की सब्जी की रेसिपी बनाऊंगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये इसका स्वाद बिल्कुल लगभग चिकन जैसा लगता है। ये सूखी कटहल की सब्जी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कटहल की सब्जी बनाना। आधा किलो कटहल है जो कि मैं बाज़ार से कटवा के लाई हूँ। अगर आप घर पे कटहल काट रहे हैं तो हाथ में सरसों तेल लगा लें, नहीं तो इसका दूध हाथ में चिपक जाएगा। अब मैं कटहल को कुकर में डालूंगी उबालने के लिए। कुकर में उबालने से सब्जी जल्दी बन जाती है। कटहल को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। इसमें मैं एक गिलास पानी डालूंगी। कटहल में आधा चम्मच नमक डालेंगे और कुकर को बंद करेंगे और गैस पर रख देंगे। देखिए, कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और हम उबलने देंगे कटहल को। कुकर से हमारी एक सीटी आ गई है, एक सीटी हम और लगाएंगे। कुकर से हमारी दो सीटी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कटहल को हमने कुकर से निकाल लिया है। देखिए कटहल हमारा कितना अच्छा तरह से उबल गया है, एक एक पीस बहुत अच्छा तरह से नरम हो गया है। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम सरसों तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। सरसों तेल गर्म हो गया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और तेने देंगे जीरा को। दो लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। लाल मिर्च फ्राई हो गया है, अब हम प्याज को डालेंगे। ये दो बड़े साइज का प्याज है जिसे हम बारीक काट करके रखा था, और इसे मिक्स कर देंगे और ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। ये चार हरी मिर्च है जिसे हमने कट लगा के रखा था। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी देर तक इसे भी हम भूनेंगे। पेस्ट हमारा भून गया है, अब हम टमाटर डालेंगे। ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसे हमने बारीक काट करके रखा था, और इसे भी फ्राई करेंगे और गलने देंगे टमाटर को। टमाटर हमारा गल गया है, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर हमारा नरम हो गया है, अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। ये दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर है। ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है एक चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो गया है, अब इसे हम मीडियम आंच पर भूनेंगे मसाले को। मसाले से हमारा तेल छोड़ रहा है, मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे एक छोटा चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हमें आधा गिलास पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये सूखी कटहल की सब्जी है, अब इसमें हम कटहल डालेंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसे मीडियम आंच पर ही हमें पकाना है क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं डालना है। नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए नमक ध्यान से डालें। इसे ढक करके हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। इसे हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में ताकि हमारी सब्जी जले ना नीचे तली में। देखिए हमारी सब्जी पक रही है, कलर इसका कितना अच्छा दिख रहा है। कटहल की सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल करके सर्व करेंगे। देखिए हमारी कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गई है। इसे आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद लगभग चिकन जैसा ही लगता है। अगर आपको हमारी चिकन जैसी कटहल की सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।